किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर कई तरह के मिथ है, तो आज जानेंगे किडनी और इसके ट्रांसप्लांट से जुड़ी जरूरी बातें। किडनी बीन के साइज का ऑर्गन होता है जो रीढ़ के दोनों तरफ आंत के नीचे और पेट के पीछे की तरफ होती है। इसका काम खून की सफाई करना है। इस काम में नेफ्रॉन मदद करता है। आसान भाषा में समझे तो ये छन्नी की तरह लगातार काम करती है, यानी जो भी वेस्ट हमारे शरीर के अंदर जाता है उसे दूर करती है। साथ ही किडनी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल भी सही रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि नेफ्रॉन क्या होता है। हर किडनी में लाखों छोटे फिल्टर्स होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। दरअसल जब खून इंसान की किडनी में पहुंचता है तो वेस्ट दूर होने का काम शुरू हो जाता है। पानी, नमक और मिनरल्स भी एडजस्ट होने लगते हैं। वेस्ट यूरिन में बदलकर निकल जाता है। ये सब नेफ्रॉन की मदद से ही होता है। इसके अलावा डायबिटीज, हार्ट डिजीज, डिहाइड्रेशन, शराब और ड्रग्स लेने या ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेने पर किडनी फेल हो सकती है। किडनी फेल होने पर डॉक्टर किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह देते हैं। साथ ही किडनी ट्रांसप्लांट ऐसे मरीजों का किया जाता है जो सर्जरी का असर और इफेक्ट झेलने की क्षमता रखते हों, मरीज की कंडीशन ऐसी हो कि उसका ट्रांसप्लांट कामयाब होने की संभावनाएं हो और जो ट्रांसप्लांट के बाद सभी जरूरी दवाएं और ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार हो। किडनी ट्रांसप्लांट में किसी और व्यक्ति की किडनी मरीज के शरीर में फिट की जाती है, जिसके लिए डोनर की दोनों किडनी पूरी तरह हेल्दी होना जरूरी होती है। उसकी मर्जी या सहमति होना भी जरूरी है। साथ ही मरीज और डोनर का ब्लड ग्रुप एक होना चाहिए, और अगर सेम ब्लड ग्रुप नहीं है तो डोनर यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होना चाहिए। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद मरीज को कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, जैसे सिगरेट नहीं पीना चाहिए, हेल्दी खाना ही खाना चाहिए, वेट मेंटेन रखना चाहिए और किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचने की कोशिश करना चाहिए। कई लोगों में मिथ है कि किडनी डोनेट करने के बाद महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, जो कि बिल्कुल गलत है। किडनी डोनेट करने से महिलाएं बच्चे को जन्म दे सकती हैं। इसमें किसी तरह की मुश्किल नहीं होगी। किडनी डोनेशन से महिलाओं और पुरुषों को फर्टिलिटी की समस्या नहीं होती है। हालांकि फिर भी महिलाओं को किडनी डोनेट करने के एक साल बाद तक इंतजार करना चाहिए। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद किसी प्रकार का घाव, खरोंच, चोट, यूरिनरी ट्रैक, जुकाम और खांसी की परेशानी होने पर डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट भी करना चाहिए।